आमदन से जायद असासा जात इंक्वायरी का मामला नैब लाहौर ने साबिक वजीर अला पंजाब उस्मान बुज़ार को 30 मई को तलब कर लिया। लाहौर नैब ने उस्मान बुज़ार से 30 सवालात के जवाब भी तलब कर रखे हैं। आमदन से जायद असासा जात इंक्वायरी का ये मामला था। राहिल सईद हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल सईद, बताइएगा ये किस तरह के सवालात दिए गए? तीस मई को जो है वो तलब किया गया है। नए की जाने से 30 सवाल पर मुश्मिल जो है वो सवालनामा भी जो है उस्मान बुज़ार को दिया गया था, जिसमें उनसे अब पूछा गया था कि उन्होंने अपने दौर में कितनी जायदादें जो है वो बनाई हैं, उनके बैंक अकाउंट की तफ़सीलातों के जरिए लिखी जो दौरे थे उनके तफ़सीलात जो है वो तलब की गई थी। मजबूत तौर पर 6 से ज्यादा दफा जो है वो नैब ने उस्मान बुज़ार को तलब किया और उस्मान बुज़ार से 3 दफा जो है वो नैब की तहकीकात टीम के सामने पेश हुए, लेकिन जो तफ़सीलात उनसे मांगी गई थी अभी तक वो तफ़सीलात नैब को जो है वो फराहम नहीं की गई। 2 मई को जब वो उस्मान बुज़ार आखिरी दफा नैब को ऑफिस आए थे तो उन्होंने 2 माह का वक्त मांगा था तफ़सीलात फराहम करने के लिए, लेकिन नैब ने उनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी। उन्होंने कहा था कि फौरी तौर पर जो है वो अपनी मालूम जो है वो फराहम करें, लेकिन उसके बाद ना मालूम फराहम की गई और ना वो खुद नैब की तहकीकती टीम के सामने पेश हुए, जिस पर एक दफा फिर नैब ने उन्हें 30 मई का नोटिस जारी किया और कहा कि वो नैब की तहकीकती टीम के सामने पेश हो और जो मालूम मांगी गई है वो फराहम करने के लिए। नैब ने 30 मई को तलब किया है। लाहौर नैब ने उस्मान बुज़ार से 30 सवालात के जवाब बाद भी तलब कर रखे हैं। राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से, आपका शुक्रिया।